मोटो एज 50 प्रो 5G वर्सेस वीवो वी 30 5G, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसमें हमें अच्छे कैमरास मिलते हैं, किसमें हैवी गेमिंग मिल जाएगी एंड किसमें एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी दी जा रही है कंटेंट वॉचिंग के लिए, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो अगर आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको 33,000 रुपये के बजट में मोटो का एज 50 प्रो 5G लेना चाहिए या फिर वीवो का वी 30 5G, देन आप आज के इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। बेसिकली मुझे किसी भाई ने कमेंट करके कहा था कि उनको मोटो एज 50 प्रो 5G के साथ में वीवो वी 30 5G का कंपैरिजन चाहिए, तो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। खैर सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिज़ाइन के बारे में। मोटो एज 50 प्रो 5G के बैक पर वीगे लेदर दिया जा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके फ्रंट में ग्लास भी मिल जाता है लेकिन इसके फ्रेम एल्यूमिनियम से बने हुए हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि रियर में 3 कैमरास मिलते हैं एंड 1 कर्व डिस्प्ले भी दी जा रही है। वहीं वीवो वी 30 5G के बैक पर ग्लास दिया गया है एंड इसके फ्रंट में भी ग्लास दिया गया है लेकिन इसके फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं। रियर में 2 कैमरास मिलते हैं एंड 1 कर्व डिस्प्ले भी दी जा रही है। वेट की बात करें तो मोटो एज 50 प्रो 5G का वेट 190 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.6 mm है। वहीं वीवो के स्मार्टफोन का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.5 mm है। तो भाई डिज़ाइन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे देती है। सो भाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे पर्सनली मोटो एज 50 प्रो 5G की डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छी लगी है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। मोटो एज 50 प्रो 5G में 6.7 इंच की 1.5 के कर्व्ड पीओएलई डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एंड भाई ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ साथ 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिलती है। वीवो वी 30 5G में 6.78 इंचेस की 1.5 के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। अब भाई क्योंकि मोटो के स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी जा रही है तो इसमें आपको माइनर सी बेटर स्मूथनेस मिल जाएगी एज कम्पेयर टू वीवो स्मार्टफोन। बट आप ऐसा मत समझना कि इनकी स्मूथनेस में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है, माइनर सा डिफरेंस आपको मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, जो काफ़ी क्विक भी अनलॉक हो जाता है। बट एक ऑप्टिकल सेंसर है सो अगर आपके हाथ गीले होंगे तो ये सेंसर काम नहीं करेंगे। वेल ब्राइटनेस की बात करें तो मोटो के स्मार्टफोन में 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है जो कि इंडोर एंड आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं वीवो के स्मार्टफोन में 2800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है एंड ये भी डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करने के लिए बेस्ट है। अब फिर चाहे आप किसी भी तरीके के आर्टिकल को रीड करो, मूवीज देखो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अलॉन्ग विद दैट इन दोनों स्मार्टफोन्स में वाइड वाइन एवन एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उनमें आपको काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पंचीनेस मिल जाएगी। बट मोटो के स्मार्टफोन में आपको थोड़े से बेहतर कलर्स और मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने पेंटोन के साथ में पार्टनरशिप की है जिनमें उन्होंने बेटर कैमरास एंड बेटर डिस्प्ले कलर्स को प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। तो आगे बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। मोटो एज 50 प्रो 5G में 4600 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 125 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही में इस स्मार्टफोन में 50 W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट एंड 10 W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है जो काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं। खैर इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स भी दिए जा रहे हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, काफी अच्छा साउंड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, IP68 की रेटिंग मिल जाती है तो आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वीवो वी 30 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि 80 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बट यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते हैं जो कि वीवो की तरफ से कॉस्ट कटिंग की गई है। ऑल्सो यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है एंड ना ही 3.5 mm के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट इस फोन में आपको IP54 की रेटिंग दी जा रही है तो ये पानी की छींटों को सह सकता है। देखो नो डाउट और ज़्यादा बड़ी बैटरी के मामले में वीवो का स्मार्टफोन बेटर है बट और ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स के मामले में मोटो का स्मार्टफोन बेटर है। लाइक यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है एंड डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, IP68 की रेटिंग दी जा रही है जो इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। तो भाई अगर आपको स्पेशली बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए देन आपको वीवो वी 30 5G को परचेस करना चाहिए, बट अगर आपको प्रीमियम फीचर चाहिए देन आपको मोटो के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
कि मोटो के स्मार्टफोन का जो 8GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको 68 वाट का चार्जर मिलता है इसके बॉक्स में, बट इसका जो 12GB वाला वेरिएंट है उसके बॉक्स में आपको 125 वाट का चार्जर मिलता है। तो मोटो वालों ने वहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव किया है, तो आप उस चीज़ को जरूर देख लेना। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। मोटो एच 50 प्रो 5G हेलो यूआई पर रन करता है जो कि इनका नया यूआई है एंड ये एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड आता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में इस स्मार्टफोन में 3 साल के ओएस अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे। एंड एक और गुड न्यूज है कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी हॉट ऐप्स या फिर हॉट गेम्स नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि इस फोन में आपको थोड़े बहुत प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आपको इजीली डिलीट कर सकते हो, बट वीवो वी 35G फनटच ओएस 14 पर रन करता है एंड इसमें एंड्रॉइड 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड यहां पर भी आपको 3 साल के ओएस अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएंगे। बात करें 5G कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन्स में 15 5G बैंड ऑफर किए जा रहे हैं जो आपको काफी अच्छा 5G कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। देखो यूआई के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, काफी ज्यादा स्मूथ यूआई है, बट अगर आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको मोटो के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 का प्रोसेसर दिया जा रहा है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज दी जा रही है। तो आप दोनों स्मार्टफोन्स में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस का एडिट कर सकते हो, आपकी जितने भी हैवी टास्क होते हैं जितने भी डेली टास्क होते हैं उनका आप इजीली कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में आप दोनों स्मार्टफोन्स में COD BGMI जैसे गेम्स को भी खेल पाओगे, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी, काफ़ी स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी। सो भाई सवाल ये उठता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और अच्छी गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के मामले में, तो भाई इसका आंसर है आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। जी हाँ, दोनों स्मार्टफोन्स का एंटूटू स्कोर 8 लाख प्लस आता है जो आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा। आगे बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। मोटो एच 50 प्रो 5G में मेन सेंसर 50MP का दिया गया है विद OIS, सेकंड 13MP का अल्ट्रावाइड दिया जा रहा है एंड थर्ड 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा रहा है। वेल इसके फ्रंट में आपको 50MP का सेंसर दिया जा रहा है एंड गुड न्यूज ये है कि आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K तक वीडियो शूट कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ वीवो वी 35G में मेन सेंसर 50MP का दिया गया है विद OIS, सेकंड 50MP का अल्ट्रावाइड मिलता है एंड इसके फ्रंट में 50MP का सेंसर दिया जा रहा है, यानी कि सारे ही सेंसर इसमें आपको 50MP के दिए गए हैं। खैर यहाँ पर भी आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K में वीडियो शूट कर पाओगे जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों स्मार्टफोन्स की जो वीडियो क्वालिटी आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, क्वाइट इंप्रेसिव है, बट फोटोज़ की बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के मेन सेंसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स आ जाती हैं, डायनेमिक रेंज में भी कोई इशू नहीं होता है, काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज आ जाती है, लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इमेजेस मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। सो कहना ये चाहता हूँ कि दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, वो आपको काफ़ी अच्छे कैमरास ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में। तो अगर आपको दोनों में से अच्छा बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। मोटो एच 50 प्रो 5G का जो बेस्ट वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 30,000 रुपये है। वहीं वीवो वी 35G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस अंडर 33,000 रुपीज़ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपको दोनों में से एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए एंड प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए, देन आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन्स आपके ये नीड्स को फुलफिल कर देंगे, बट अगर आपको और ज़्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, और ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स चाहिए, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट हो, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट हो, IP68 की रेटिंग हो, प्रीमियम डिज़ाइन हो एंड और अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी हो, देन ऑफकोर्स आपको मोटो एच 50 प्रो 5G के साथ में जाना चाहिए एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स भी दिए जा रहे हैं। बट एक ही कमी है, इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी स्मॉल है, लेकिन वीवो के स्मार्टफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते हैं एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट हो या फिर IP रेटिंग हो, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन हो, ये सारी फीचर्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो भाई सारी चीज़ें आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो भाई यही था दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन, आपके इनके बारे में क्या रहा है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।